वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम अशोक एक्सिस बैंक लिमिटेड स्टॉक के बारे में बात करेंगे, लेटेस्ट अपडेट और न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे। तो फ्राइडे के दिन 887 पे क्लोजिंग दी थी एक्सिस बैंक ने, 8 पॉइंट ऊपर तकरीबन 1% ऊपर क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था। तकरीबन यहाँ पे मार्केट कैप जो एक्सिस बैंक की 2.73 लाख करोड़ की है, पी रेशो 14 का है और डिविडेंड यील्ड हल्का सा दे देता है। तो सबसे पहले न्यूज के ऊपर नजर डालेंगे कि कोई खास न्यूज है क्या। जेफरी सीज बिग अपसाइड इन एक्सिस बैंक शेयर्स, सिज वैल्यूएशन गैप विद आईसीसी बैंक टू नैरो। HDFC बैंक वर्सेस आईसीसी यहाँ पे देखा जाए तो कोई खास यहाँ पे नंबर सामने नहीं आ रहा है। टारगेट तो 1050 के ऊपर का देते हुए नजर आ रहे हैं सब जन, पर रिसेंटली चार्ट के ऊपर नजर डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मंथली चार्ट फ्रेम जो है उसी के ऊपर नजर डालेंगे। तो ये मंथली चार्ट फ्रेम है एक्सिस बैंक स्टॉक के लिए। तो एक्सिस बैंक देख सकते हैं काफी दिनों से जो है वो एक्सिस बैंक यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा था, क्योंकि 800 लेवल के ऊपर सेटल भी नहीं हो रहा था। पर रिसेंटली देख सकते कि एक अच्छे बुलिश कैंडल वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट है एक्सिस बैंक ने यहाँ पे आप देख सकते लास्ट मंथ में, और इस मंथ में थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो रहा है क्योंकि ऊपर 900 लेवल रेजिस्टेंस फेस कर रही है। नीचे भी आता है तो 850 लेवल सबसे पहले सपोर्टिव एक्ट हो जाएगा, फिर 850 के बाद जो है 800 सपोर्टिव लेवल एक्ट हो जाएगी। तो रिसेंटली डेली चार्ट फ्रेम के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो डेली चार्ट फ्रेम में यहाँ पे देखा जाए चार्ट के, तो देख सकते हैं कि लास्ट टाइम 2900 लेवल पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा तो वैसे गिरावट देखने को मिली, 900 के ऊपर सेटल नहीं हो पाया। तो नीचे आता है तो देख सकते हैं कि फिर यहाँ पे 850 लेवल पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक हो चुका था इस मंथ में स्टॉक, तो 850 लेवल सपोर्टिव एक्ट हो सकती है। तो ये थे लेटेस्ट अपडेट एक्सिस बैंक के लिए।